हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज जो है इसकी सेकंड पार्ट लेके आओ। इसका जो पहला पार्ट है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज का जो कंप्लीट टूल होगा उसको हम असेंबली में करने वाले। तो पहला वाला टूल आपको कहाँ मिलेंगे, आप यहाँ पे जाओगे, जाने के बाद जो है यहाँ आपको ये वाला जो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला है होंडा एक्टिवा का पार्ट है। यहाँ पे जो है इसकी कोर कैविटी का आपका देख पा रहे हो, 2 घंटे का वीडियो है, इसको जरूर देख लेना। इसका जो है पार्ट 1 यहाँ पे मिल जाएंगे। जिसको भी लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड करना है, यहाँ पे फ्री लाइब्रेरी में बना रखा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टैंडर्ड पार्ट वगैरह के लाइब्रेरी मिल जाएंगे। किसी को अगर मेरा इंजेक्शन मोल्डिंग का पहले वाला क्लास देखना है तो यहाँ पे जाके सारा चीज़ आप देख सकते हो। कहाँ पे मैंने क्या कर रखा हो देखा, यहाँ पे देखो बम्पर वगैरह का भी मोल्ड वगैरह बना रखा हो। यहाँ पे जाके एक बार सारा चीज़ें आप चेक कर ले। प्रेस टूल का भी देखना है तो आपको प्रेस टूल का भी मिल जाएंगे। ये मेरा सेकंड से ले लें, यहाँ जाके आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से मैं बेसिक वगैरह का वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। अगर आपको मेंबरशिप वगैरह लेना है तो मेंबरशिप वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ जो है प्रेस टूल का मेंबरशिप है, ये जो है आपकी मोल डिजाइन का मेंबरशिप है, ये जो आपका ऑटोमोबाइल मोल डिजाइन का मेंबरशिप है, ये जो है आपका सीएनसी प्रोग्रामिंग का मेंबरशिप है। अगर इससे अलग से भी आपको कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, जैसे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग चाहिए, ऑटोकैड चाहिए, केटीआर चाहिए, सीएनसी प्रोग्रामिंग चाहिए, जिग फिक्सर चाहिए, फिजीकेम चाहिए, मास्टर केम चाहिए, एनसीएस चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन चाहिए, कोई भी आपको कोर्स है, यहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। सारा कोर्स वगैरह अवेलेबल है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है टूल जो है पूरा कराऊंगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको कोर सेक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोर है, कोर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिफ्टर लगने वाला है। तो आज इसको हम लिफ्टर वगैरह लगाएंगे, मोल हाउसिंग वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे मैं केवीटी भी चेक करवा देता हूँ, यहाँ केवीटी है, यहाँ पे कौन सा वाला इंप्रेशन एरिया है वो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक एक चीजें करेंगे, कौन सा कलर क्या कोट करते हैं, और इसको हम प्रॉपर जो है असेंबली में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे आपको असेंबली भी इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं अगर पूरा असेंबली को हाइड कर देता हूँ, अगर आपको कॉम्पोनेंट देखना है तो आप यहाँ पे जाके आप कॉम्पोनेंट देख सकते हो। अगर आपको पार्टिंग चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके पार्टिंग चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे जाके आपको ओनली इंसर्ट चेक करना है, जैसे मेरा यहाँ पे केवीटी इंसर्ट, इसको चेक करना है तो मैं यहाँ पे जाके केवीटी इंसर्ट को चेक कर पाऊंगा। अगर मुझे कोर इंसर्ट देखना है तो मैं यहाँ पे जाके कोर इंसर्ट चेक कर पाऊंगा। तो प्रॉपर जो है असेंबली में काम करेंगे, और लास्ट में इस मोल की जीपी जितना भी लिफ्टर्स वगैरह है, अगर आपकी वीडियो रेस्पॉन्स सही आएंगे तो इसका मैं एनिमेशन का भी वीडियो डाल दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं हाउसिंग, ठीक है। अभी मैं कूलिंग बुलिंग, अभी लिफ्टर का इंसर्ट जो है मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मैं लिफ्टर का इंसर्ट जो है डिपेंड करेगा आपका हाइट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लिफ्टर क्या होता है, जब भी हम लिफ्टर बनाएंगे, इसकी जो आप देख पाओगे यहाँ पर लिफ्टर जो एरिया चलने वाला है, ये आपका जो हाइट होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेंगे कितना मैं इजेक्शन करूंगा। अब इसको मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। अभी मैं जो है हाउसिंग बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कोर का हाउसिंग बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा कोर है, तो हाउसिंग के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं देखो किस तरीके से आपको काम करना है, मैं एकदम बहुत इजी तरीके से समझा लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, जाने के बाद जो आपकी कोर हाउसिंग है इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक वर्कपार्ट कर लूंगा, आपको भी मेक वर्कपार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपकी कोर इंसर्ट है, यहाँ पे जाके असेंबली में चले जाना है। देखो, अगर आपको एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट को इंटरलिंक करना है, मान लो कल मुझे कोर पे सेंस करना है, मैं कोर को सेंस कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा असेंबली सेंस हो जाएगा। कल मान लो मुझे कंपोनेंट पे सेंस करना है, कंपोनेंट को सेंस कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सेंस हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है एसोसिएट करूंगा, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ इंटरलिंक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, केवीटी कोर हाउसिंग में मैं कोर इंसर्ट को ले आ रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। अब क्या हो गया, मेरा जो केवीटी हाउसिंग है यहाँ पे मेरा इंसर्ट आ गया। मैं इसको राइट क्लिक करके मैं एक ओपन पार्ट में ले जाऊंगा। इसको करने से क्या फायदा होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मेरा जो हाउसिंग है, मेरा कितना हाउसिंग बनाना है, ठीक है। तो हाउसिंग बनाने से पहले यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो भी मेरा मोल विजार्ड है, यहाँ पे जाने की बात मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले लूंगा। अब मैं देखो जब 0-0 रख रहा हूँ, ठीक है, कोई मैं स्टॉक साइज वगैरह नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में जब मैं मोल बना के खत्म करूंगा तो आपको सारा चीजें जो है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन द सेंस जो जो चीजें बनाएंगे आपको काम आएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड पार्ट का यूज करना भी सिखाऊंगा। लाइब्रेरी भी आपको दे रखा हो, फ्री में दे रखा हो लाइब्रेरी, ठीक है। वो लाइब्रेरी आपको फ्री में तो नहीं मिलता है, मैं आपको लाइब्रेरी फ्री में दे रहा हूँ। तो जो भी चीजें आपको यूज करना है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जाके लाइब्रेरी पहले डाउनलोड कर लो,
ठीक है, वहां पे मान लो कभी मेरा यहाँ पे YouTube में स्ट्राइक बैक आ जाए और लाइब्रेरी को मुझे डिलीट करना पड़े, तो पहले जाके उसको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो रात का देखो, अभी रात का जो है 3:30 बज चुका है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कल संडे है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग के ये प्यार है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ जो मैं रखूंगा, देखो मेरा जो कंपोनेंट रहेंगे यहाँ पे हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेशल ब्लॉक डालूंगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे लैंड कम है, तो इस साइड स्पेशल ब्लॉक डालोगे तो क्या होगा, इनसाइड बैंड होने का चांस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मोल्ड बड़ा मोल्ड है, आपका देख पा रहे हो, ये जो मोल्ड एक्टिवा का जो आगे के पोर्शन होता है ना, होंडा एक्टिवा जो होती है उसकी पार्ट है, तो मुझे इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो जिस तरफ हम, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जिस तरफ हम ये लगाते हैं तो इस तरफ हम कम रखेंगे, जो एरिया होगा हम कम रखेंगे। तो मैं अराउंड जो है यहाँ पे, अराउंड जो है मैं 70 mm रख रहा हूँ। ठीक है, पार साइड में 70 mm रख रहा हूँ। अगेन सिमिलरली मैं इधर भी 70 mm रखूंगा। ठीक है, इनसाइड मोल्डिंग है, अब मैं 70 mm क्यों रख रहा हूँ, मेरा काम 60 mm में भी हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको भी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको 80 mm रखूंगा। अब 80 mm दोस्त मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो कम 70 mm भी हो जाता है, लेकिन मैं 80 mm क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया में मेरा स्प्रिंग आने वाला है, इस एरिया में मेरा स्प्रिंग आएंगे, रिटर्न पिन आने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें इस एरिया में आता है। तो जिस तरफ आप स्पेशल बक लगाते हैं उस तरफ अगर 20 mm कम रखोगे चल जाएगा, लेकिन आपका जो एप्लीकेबल एरिया है जहाँ पे स्प्रिंग होने वाला है, ठीक है, तो इस एरिया में आपको 20 mm 15 mm एक्स्ट्रा रखना है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे जाके मेक कॉर्नर कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं प्रेशर पैड भी लगाऊंगा, आप देखते जाओ, बहुत कुछ चीजें पूरा स्टैंडर्ड बनाऊंगा एक एक करके। ठीक है, आप इस तरीके से मोल सीखोगे तो आगे और एडवांस मोल बना पाओगे। राइट, अब देखो मैंने यहाँ पे जो मेरा साइज था उसके अकॉर्डिंग मैंने कितना लिया, 60 mm 70 mm अप्रोक्सीमेट लिया, यहाँ पे 80 लिया, यहाँ पे मैंने 70 mm लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो मुझे क्या बनाना है, हाउसिंग बनाना है। हाउसिंग बनाने से पहले जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन वगैरह दे रखा हो, जिसने भी पिलर गाइड पिलर वगैरह बनाना है, इसकी कैलकुलेशन वगैरह देखना है, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हो, आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख ले, सारा चीज़ें मैं कैलकुलेशन वगैरह डाल रखा हो। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड यूज करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने की बाद देखो, जब भी हाउसिंग से मोल बनाते हो तो यहाँ पे मेरा केविटी मोटा है, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 35 mm रखना पड़ेगा, मेटल देना पड़ेगा। क्लियर है, एटलीस्ट 35 mm मेटल देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जाएंगे -120 mm, मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, अभी मैं देख लूंगा कितना मुझे लेना है। तो देखो इतना तो होना चाहिए कि यहाँ तक गाइड हो जाए, लेकिन इतना बड़ा मैं गाइड करूँगा तो मेरा मेटल बहुत खर्चा हो जाएगा। राइट, मुझे बहुत ज़्यादा मेटल खर्चा हो जाएगा, तो मैं इसको 160 mm अराउंड, ये जो टेपिंग है ना, ये जो आपका लेवल है ना, इससे मैं ऊपर रखूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 180 mm आई गेस हो जाएगा। ठीक है, 180 mm हो गया। तो ये देखो मेरा मेटल जो है अराउंड बहुत लंबा जा रहा है, 200 के आसपास जा रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि मोल्ड ऐसा ही है और इस मोल्ड को मुझे गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लिफ्टर चलने वाला है, लिफ्टर चलेगा तो कोर मोटा होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, आपका दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि नीचे कितना एमएम रखना है आपको, है ना, यहाँ पे इसका नीचे कितना एमएम रखना है। नीचे मैंने 35 mm रखा, मैं अगर सेक्शनिंग करके दिखा दूँ ना, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं 35 mm रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एरिया बहुत कम है, बहुत कम है इसके हिसाब से। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखना पड़ रहा है, क्यों रखना पड़ रहा है, क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे कोर चलेगा, लिफ्टर चलेगा, तो मुझे कोर मोटा चाहिए भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, कोर को मैं पतला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लिफ्टर हमेशा, जब लिफ्टर चलता है ना, मैं एक आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिफ्टर चल रहा है ना, तो लिफ्टर इजेक्ट होने के बाद, अगर मान लो मेरा 30 mm इजेक्शन है, 30 mm में मेरा लिफ्टर इजेक्ट हो जा रहा है, 30 mm इजेक्शन होने के बाद जो लिफ्टर बाहर निकलेंगे ना, तो 60-70% यहाँ पे कोर पे गाइड होना चाहिए। इसी के लिए जो मैं यहाँ पे कोर है, मैं इसको यहाँ पे देखो, कंपोनेंट मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, मैं इसको 30-35 mm में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 40-30 mm एक्स्ट्रा लिया हो, क्या रीजन है, यही रीजन है कि आपको जो है यहाँ पे गाइड रखना पड़ेगा। अगर इसको गाइड नहीं रखोगे ना, तो लिफ्टर क्या हो सकता है बाद में, अगर थोड़ा सा भी हिल जाएगा ना, तो ये डैमेज हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे लिप्तर जो बनाऊंगा ना, लिप्तर का आपको लिप्तर का बेड भी बनाऊंगा, लिप्तर का ग्रो गाइड भी बनाऊंगा। देखो किस तरीके से मैं आपको इसमें लिप्तर सिखाने वाला हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पूरा वीडियो देखना, अगर कुछ सही चीज़ें से आपको सीखना है ना, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। अब देखो ये आ गया मेरा, ठीक है,
अब मुझे इसका जरूरत है, बिल्कुल अभी तो जरूरत है मुझे। देखो यहाँ पे मेरे रेडियस देना है, देखो यहाँ पे रेडियस देना है ना आपको, ये दिखना है दोनों का रेडियस कितना है और रेडियस में रिलीव होना चाहिए। यहाँ पे मेरा रेडियस देखो 31 का है, तो मैं यहाँ पे इसको 30 के आसपास दे दूंगा, 28 का दे दूंगा, 28 का दे दूंगा मैं, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे हाइट में है, मशीनिंग होगा ना, तो 28 रेडियस जो होगा इतना जो कटर से लाओगे वो बैठना चाहिए, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको अगर कटर के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन से कटर कितना स्पिंडल में चलाना चाहिए, कितना डेप्थ तक जाता है, अगर वो सही है तो मेरे पास सारा PPT बना रखा हो, मैं स्टूडेंट को शेयर भी करता हूँ। वो PPT सही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी डाल देना, तो मैं उसका शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मेरा 30 mm जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको कम कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगे आगे आपको, दिखते जाके आगे करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा रिलीफ रहेगा, कोई बात नहीं। अब ये भी रिलीफ रहेगा क्योंकि इनसाइड मशीनिंग होगा तो आपको रिलीफ देना पड़ेगा, है ना। इसको मैं 20 का लगा देता हूँ, देख लेते हैं ऊपर से, गैप होना चाहिए, कोई बात नहीं, गैप बहुत ज़्यादा है। 20 के जगह मैं 25 कर दूंगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक तरीके से आपको रेफरेंस के लिए हमने ये कार्ट लगा रखा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये चीज आपका बन गया है, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया है। अब इसका ज़रूरत है मुझे यहाँ पे, तो अभी इसका तो मुझे ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो है। और आप एक काम और कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से हाउसिंग लिया है, अब हाउसिंग को ये जो इंसर्ट है ना, इससे मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँगा, ठीक है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 5 mm नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं मुझे 10 mm लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे इससे नीचे लाना पड़ेगा मुझे, क्यों कर रहा हूँ आगे पता लग जाएगा। आप देखो ये ऊपर रहेगा, ठीक है, ये ऊपर रहेगा इसको, क्योंकि मैं इसको अगर टाइट फिट रखूँगा ना तो मैं हैमरिंग नहीं कर पाऊंगा इसको, अगर अंडर डालने के लिए, और निकालने के लिए मैं यहाँ पे बोल्टिंग डालूंगा, ठीक है। अब कैसे डालूंगा पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे हैमरिंग करके इसको अंडर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं देखो रिलीफ डाल रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 40 mm 35 mm रिलीफ डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है वैसे तो, 30 mm सफिशियंट है, 40-45 mm मैं रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे अंडर डालना है, ठीक है, जो मेरा कोड इंसर्ट है इसको मुझे हाउसिंग के अंदर डालना है। अंदर डालना है तो इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है, जब इसको आप अंडर डालोगे तो कैसे डालोगे, कहाँ पे हैमरिंग करोगे, तो इस एरिया को इसलिए मुझे हाउसिंग से बाहर निकल के रखना पड़ा। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएंगे, ये असेंबली जब मोल्ड काम कर रहा है ना, जो लोग असेंबली में काम कर रहे हैं उसको पता है ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। अब दोस्तों देखो इसका काम हो गया ना, अब मैं इनका मुझे ज़रूरत है नहीं है, मैं इसको डिलीट बूटी कर दे रहा हूँ, क्लियर। अब मेरा आ गया हाउसिंग पे, अब मेरा हाउसिंग देखो मेरा कितना बड़ा बन जा रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर हाउसिंग देखता हूँ, ठीक है, कितने का आ रहा है आपका हाउसिंग, कितने का आ रहा है, ये आ रहा है आपका 640x205। एक सेकंड रुको, तो यहाँ पे देखो 640 + 470, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये अराउंड 55 का गाइड पिलर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी गाइड पिलर डालोगे ना, आपको ये स्टैंडर्ड देखना है, इसका और इसका प्लस करके 2 से माइनस कर दो। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी आपको रॉन्ग नहीं होगा। ये W वेट निकालो, प्लेट की वेट निकालो, फॉर्मूला में डालो, रूट का वैल्यू डालो, ये सब डालोगे ना बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। उसका भी तरीका है, जाके ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हो वहाँ पे जाके सीख लो, वीडियो बना रखा हो आप लोग के लिए, अगर वैसे भी सीखना है कैलकुलेशन से वैसे भी सीख सकते हो। मैं तो अपने स्टूडेंट को बहुत बढ़िया टेक्निक देता रहता हूँ, शॉर्टकट टेक्निक, जो लोग ज्वाइन करें उनको पता है, ठीक है। तो 55 का बन के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 55 का पिलर बनाऊंगा, राइट। तो पिलर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको अभी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें देखना है। अभी देखो 55 का बनाना है तो मैं 55 का बनाऊंगा। ज़रूरी नहीं है आपको 55 बोला गया तो आप 55 ही बनाओ, आप उससे कम भी बना सकते हो, ज़्यादा भी बना सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है, मान लो मेरा बड़ा मोल्ड है और कोई कोई लोग इतना बड़ा पिलर तो मिलता नहीं है, तो मैं 60 ले रहा हूँ, ठीक है, तो इतना बड़ा तो मुझे मिलता नहीं है पिलर जो है। अब देखो मेरा जैसे यहाँ पे एक साइड चैम्फर है, कौन सा साइड, इस साइड मेरा चैम्फर था, ठीक है, तो इस साइड चैम्फर है ना, तो इसको मैं ओकाई उकाई भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब एक तरीके से पिलर को मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, ये भी मैं तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। देखो मैं अगर बताने जाऊँ ना तो 1 घंटे 2 घंटे भी तो मैं वीडियो में ना मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ ना, 2.5 महीने का लेता हूँ, एक कोर्स, 4 कोर्स अवेलेबल है, मोल मैनुअल है, मोल विजार्ड है, मोल फ्लो एनालिसिस है, ऑटोमोबाइल स्पेशल मोल डिजाइन है, 4 कोर्स है,
एक कोर्स में 2.5 महीने लेता हूँ, 2.5 महीने भी कम पड़ जाता है। मैं अगर सही से बताऊँ ना, अगर मैं मोल मैनुअली सिखाऊँ ना आप लोग को, आप लोग का 2.5 महीना भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना सीखने के लिए इतना है कंप्लीट मोल्ड डिजाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 60 का ले रहा हूँ, 55 बन के आ रहा था, तो मैं 10% सेफ्टी के लिए ले रहा हूँ, 55 चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम 12 का रख देंगे, 10 से 12। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलर भी रहूंगा, तो यहाँ पे मैं 12 mm का रख लाऊ। इसको अच्छे से सीखना है ना, वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे मैं 12 लिख, यहाँ पे अगर कोकायू का यूज करना है ना, तो आप कोकायू का यूज कर सकते हो, अगर आपको यूज करना है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं, हाँ मैं यूज करूंगा, तो यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है उसके बारे में भी बता दूंगा। बिल्कुल मिरर कर्व, सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चल रहा है। यहाँ पे मैं ऊपर वाला क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे में क्लिक हो जाता है। यहाँ देखो, इनको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब वो देखो यहाँ पे, देखो मैं पिलर तो लगाऊंगा इधर से भाई। ठीक है ना, अब इतना पिलर बड़ा लगाओगे क्या नहीं लगाओगे? अगर नहीं लगाना है, मान लो इतना पिलर बनाओगे, तो आपके लिए बहुत कॉस्टिंग चला जाएगा ना। तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो। मैं ये सब टेक्निक ना कोई नहीं देगा मेरे दोस्त, जैसे मैंने यहाँ से इसको सब ट्रैक मारा इधर तक सॉरी मैंने बना रखा हो, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है इतना बड़ा तो नहीं बन पाएगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना हो जा रहा है, आप देखोगे ना इसको, पिलर कितना बना बनेगा और ऊपर भी जाएगा। अब ऊपर मेरा पिलर कितना जा रहा है, देखो मैं इसको बना ही देता हूँ एक बार में 35, और इधर भी लगभग आपकी 150 तक जाएगा ही, कुछ नहीं कर सकते हो। 150 प्लस इधर 200 मान लेते हैं, तो मेरे दोस्त कितना हो गया ये 335, मतलब पागल बन जाओगे आप, इतना बड़ा कैसे बनाओगे? पॉसिबल नहीं है ना इतना बनाने बनाने के लिए, कैसे बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। बना सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो, आप कुछ भी कर सकते हो राइट, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे ना, तो किस तरीके से कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं कंपनी लेवल पे। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, ये जितना भी पिलर है ना, यहाँ पे कोलर करोगे, इसकी सीएनसी करोगे, बेकार है भाई, सब बेकार है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना, कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे लिया ऑफसेट, यहाँ पे लेके मैं इसको 100 mm ऊपर ले जा रहा हूँ। कितना ले आ रहा है, 100 mm कम कर दिया मैंने, मटेरियल कम कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका मैं 100 mm बसा दिया। 100 mm बहुत होते हैं मेरे दोस्त, 100 mm बहुत होता है, मैंने आपको 100 mm बसा दिया ना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, है ना, आप बोलोगे ना ऐसे, सर आपने ये क्या कर दिया? मेरे दोस्त मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जो मैं चीजें कर रहा हूँ ना, आप लोग के लिए बहुत अच्छा चीजें कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हम नीचे से बोल्टिंग कर देंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 350 mm का, अगर आपको मेटेरियल भी ढूंढना पड़ेगा, कॉस्टली भी आएगा राइट, इतना कॉस्ट से कैसे सेमिंग करेंगे? यहाँ पे हम इसको बोल्टिंग कर देंगे नीचे से। अब नीचे से बोल्टिंग कर दोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन गाइड होना चाहिए यहाँ पे, 100-150 mm जो है गाइड रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको बोल्टिंग कर दूंगा। कोई नहीं सिखाएगा इस तरीके से पिलर से भाई, 1000 मोल्ड बना रखा हो तब मुझे पता है ये सब चीज़ें मुझे कैसे यूज करना है। ठीक है लोग, आप तो पेमेंट कर दोगे, आपसे पैसा लेंगे, और ढंग से कोई सिखाएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम कितने का कर रहे हैं, हम 16 का बोल्टिंग मार रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वो है, M12 से भी हो जाएगा, लेकिन हम M16 का कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से हम करेंगे इसको। देखो इस तरीके से, देखो मैं आपकी कॉस्टिंग बसा रहा हूँ, जो मोल बना रहा हूँ ना, मैं आपके पैसा बसा रहा हूँ। बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल मोल पे काम करोगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ से क्या, कौन सा फिलू कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपके स्टैंडर्ड है। अब मैंने आपका क्या काम कर दिया, मैंने आपका कर दिया काम, ठीक है बसा दिया ना। अब यहाँ पे ऑफसेट, यहाँ पे 1 mm का चैम्फर मार दो, चैम्फर यहाँ पे पोल पे मत मार देना, इसको डी सिलेक्ट कर दो, तो ये भी सिलेक्ट हो रखा है। ठीक है डन, अब मैं देखो इसको ले आता हूँ।
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता है, यहाँ तक आप बहुत बढ़िया से समझ लिए हो, ठीक है। देखो ये वैसे हार्ड नहीं रहता, ये EN31 हार्ड रहेगा, ये आपका हार्ड टू नहीं रहेगा, ये आपका MS-SE45 का रहेगा, राइट। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। अभी हम हल्का सा चैम्फर का यूज करेंगे, हल्का सा, अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। चलो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर पेट लगाना है, क्योंकि जो मैं मूल बनाऊंगा ना वो मैं प्रेशर पेट से बनाऊंगा, ठीक है। प्रेशर पेट लगाने से पहले इनको हम बाद में करते हैं, चलो पहले प्रेशर पेट लगाना सिखाते हैं आपको। हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि एक हम जैसे जैसे यहाँ पे मेरा चैम्फर है, इस साइड में चैम्फर है, तो इसको मैं जैसे रेफरेंस के लिए बना रखा हो, इसको मैं अगर हल्का सा ऑफसेट करना चाहता हूँ ना, मैं वो ऑफसेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक प्रेशर प्लेट बना रहा हूँ, तो मेरा जो प्रेशर प्लेट है यहाँ पे मैं कितने का बनाऊँ, 100x100 का बना लेता हूँ, 100x टैप दबा के 100, ठीक है, 100x100। अब यहाँ पे जो मेरा प्रेशर पैड है इसको हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। अब मैं यहाँ पे जो प्रेशर पैड है मैं किसके ऊपर बना रहा हूँ, पिलर के ऊपर बना रहा हूँ, मतलब जो गाइड पिलर है। कोई कोई लोग क्या करता है, यहाँ पे भी बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी हो जाता है जो अगर साइड में बनाते हो तो, क्योंकि यहाँ बनाते हो फिर कूलिंग वूलिंग में दिक्कत आ जाता है बाद में। लेकिन कोई नहीं, ये सब से आपको बताएगा क्या दिक्कत होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, कूलिंग में आपका इशू हो जाएगा। जब कूलिंग की आप निपल लगाओगे ना, तो कूलिंग निपल में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको हटाना पड़ेगा, कहीं पे घुमाना पड़ता है, ये दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे लगाओगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे वो लगा देंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, हम इसको इस तरीके से लगाएंगे, मैं 60 का लगा दूंगा। देखो यहाँ पे एक बोल्टिंग दूंगा, यहाँ पे एक बोल्टिंग दूंगा, यहाँ पे एक बोल्टिंग दूंगा, तीन बोल्टिंग से कहानी खत्म करूंगा मैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे भी एक दूँ तो आपको देना है, ठीक है, देना है तो दे दो, कभी भी जितना लो अच्छा है, क्योंकि ये लेंस ज्यादा है ना, तो एक प्रेशर पे दोगे ना अच्छी बात है। लेकिन ये इशारा नहीं रहता तो आपको यहाँ 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 पे भी देना पड़ता, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको मैं जैसे मैंने कितने लिया, 70 का लिया, तो मैं इसको 50 का तो लूंगा ही ना, तो पार साइड में मैं 10mm का गैप रखूंगा, 10mm सफिशियंट होता है मेटल को कूल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है इसको 120mm लेना है, हमने वो 120mm लेना है, और यहाँ पे 50-50 कर देना है। अब मैं कोई रेडियस नहीं मार रहा हूँ, रेडियस में सबसे लास्ट में मारूंगा। अगर आपको लगता है ये 50mm जा रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको हम कर देते हैं 46mm का, ठीक है, 46mm कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 13mm आ जाएगा ना, 46 होगा कितना होगा, आप 12mm आ जाएगा, सॉरी 12mm आ जाएगा, परफेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो मेरा बन गया है ना, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हो आपको, पहले जब भी प्रेशर प्लेट बनाते हो तो प्रेशर प्लेट कितना होना चाहिए, इसको आप शुरू कर दो, पहले ऊपर में जो रहेगा ना 0.5 बाहर रहेगा, कितना रहेगा, ओनली 0.5, और नीचे आपको कितने का लगाना है, 10 का, 12 का, 15 का। अब ये बड़ा मोल्ड है तो हम ओबियसली भाई 15 का तो रखेंगे ना, तो हम जो 15 का तो ओबियसली रखेंगे, तो मैं कितने का रख रहा हूँ, 15 का रख रहा हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। अब जो ये पिलर है जो इसको गाइड रखते हो, अराउंड 60-50% से ज़्यादा ये गाइड होना चाहिए, जैसे आप बोल्टिंग करते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हाइट में है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रख लेना। अब इनको हम मिरर कर देते हैं, मिरर ज्योमेट्री, यहाँ पे एक्स की जगह वाई कर लो, ठीक है, शीट बॉडी कर रखा हो इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट, इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग मोल्ड है, लास्ट तक देखना भाई, बहुत कुछ चीजें मिस कर दोगे फिर, तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगा कि हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो सारा चीजें समझाऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहना आप लोग। अब यहाँ तक तो मैंने बना लिया है, अब जो भी मेरा प्रेशर प्लेट है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपको, तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरा यहाँ पे चैम्फर है, उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे भी चैम्फर का यूज़ कर लूँगा। जैसे मेरा यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला मेरा चैम्फर एरिया है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा चैम्फर का यूज़ करूँगा एज ए रेफरेंस, ठीक है, एज ए रेफरेंस मैं यहाँ पे चैम्फर का यूज़ करूँगा मेरे दोस्त। अब देखो जैसे ये मेरा है, अभी यहाँ पे मुझे रेडियस का यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेडियस का यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पे रेडियस यूज ना करके आप इधर पे चैम्फर का भी यूज़ कर सकते हो। रेडियस का यूज़ आपको मशीनिंग एरिया में करना है, ठीक है, मशीनिंग एरिया पे करना है आपको, तो आप कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे 6 का चैम्फर यूज करूंगा, लेट्स से मैं 6 का करूंगा ना, तो 12 कटर से ला सकता हूँ, तो 12 का कटर से कर दूंगा मैं, तो इसको मैं 8 का कर दूंगा, तो वहाँ पे मैं 6 का कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये जो पिलर है, अब पिलर को मुझे स्प्लिट करना है। पिलर को कैसे स्प्लिट करना है, देखो यहाँ पे हम एक एक चीज़ें ध्यान से देखना, कहीं पर कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ जाए ना तो पूछ लेना मुझे, कैसा भी क्वेश्चन हो मैं आप सबके जवाब दूंगा, ठीक है। जिसको भी और एडवांस में करना है, ठीक है, तो वो क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे मैं देखो मेरा तो ऊपर से है, तो यहाँ पे मैं 2 mm डाउन रख रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ, और यहाँ आपकी हर एक पार्ट को -3 नहीं -5 mm का मैं कर दे रहा हूँ। बेसिकली मैं 3 mm रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे 5 mm रखूंगा क्योंकि यहाँ पे टूल भरा है, क्लियर है। और यहाँ हम जो है चैम्फर का यूज करेंगे, एसिमेट्री चैम्फर, ठीक है, 3 mm का, और इधर मैं 20 mm करूंगा, 6/20। ये नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है, अब इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है दोस्त। अब आपको यहाँ पे रेडियस का यूज करना है इस एरिया में, तो रेडियस जो है हम 6 का लगा लेते हैं, 6 का नहीं 8 का लगा देता हूँ मैं। एंट्री रेडियस अच्छा वाला एंट्री रेडियस यूज़ कर लेना, क्योंकि एंट्री रेडियस में आएगा और डैमेज नहीं होने का चांस होता है, तो अच्छा एंट्री रेडियस यूज़ कर लेना, ठीक है, डन। तो ये मेरा हो गया पिलर का। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ ना, तो यहाँ पे एक एंगल होता है 15 डिग्री का स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब जैसे ये मेरा, इसको ले आता हूँ मैं अभी के लिए, अब जैसे यहाँ पे मेरा गैप कम हो गया, यहाँ पे मेरा गैप कम हो गया। अब देखो मेरा कोई भी अगर कचरा वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे ये गिर जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लो आप बोल लोगे सर इसको जो है ना, हम एक काम करते हैं कि इसको हम 0-0 कर देंगे, मान लो 0-0 नहीं करते, इसमें रिलीफ होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम असेंबली करना होगा, कुछ डैमेज होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले पिलर को डालेंगे, उसके बाद ऊपर से इसको हम डाल सकते हैं, जो आपके प्रेशर प्लेट है, ठीक है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा बहुत कम था, तो इसको मैं हल्का सा जो है ना भरा देता हूँ 10 mm के आसपास, 10 या 15 mm भरा दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नीचे ले आ रहा हूँ इस एरिया को, ठीक है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है, जैसे हमने ये बनाया था, तो इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा, तो ये एरिया बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलीफ भी डालना होगा, राइट, क्योंकि रेडियस तो रेडियस रिलीफ होगा। मैं यहाँ पे जैसे मैंने ब्लॉक बनाया था 100/100 का, अगर नहीं भी बनाऊंगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं अगर कम भी बनाऊंगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 100/100 का ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसको 90/90 भी लूंगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इनके बाद इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस को बढ़ा देता हूँ मैं, इसको 70 कर देता हूँ, सॉरी 80 कर देता हूँ, इतना 60-50 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ओके, ये मैं कर सकता हूँ। समझ में आ गया ना मेरी बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोल्टिंग भी करना है, तो मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, लेट से इसको मैं 45 भी कर सकता हूँ, एज आई लाइक, मुझे जितना रखना है, क्योंकि यहाँ पे बटिंग रखना है होगा, इस एरिया को रिलीफ देना पड़ेगा आपको। देख लो कितना हो गया, अभी हो गया सारा चीज़ें अपडेट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे सिरा चीज़ें बना लिया है, अब इसको हमने सबट्रैक्ट भी यहाँ पे कर लिया है, अब हमको यहाँ पे वोल्टिंग कर लेना है। वोल्टिंग करने के बाद बाकी का काम करूँगा मैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो इस कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं करा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे इतना तो रिलीफ नहीं रखूंगा, अगर आपको नहीं देखो इस, सॉरी इसका रिलीफ नहीं, आपको प्रेशर प्लेट में, प्रेशर प्लेट में डालना पड़ेगा रिलीफ। ये देखो ये आ गया, 5 का करा था हमने, यहाँ पे हम 3 का कर देंगे। कोई कोई क्या करता है ना, जितना ही उतना ही रख देते हैं, ठीक है। तो हम जो इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, क्लियर। देखो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। मजा आ रहा है ना चीजें सीखने में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा चीजें मैं बता पाऊँ। आगे तो बहुत कुछ चीजें है, अभी अभी देखते जाओ आप लोग को क्या कहाँ पे क्या चीजें आते जाएंगे आपके पास। ये तो कर दिया मैंने ऑलरेडी, इन सारों को नहीं करा था। अब जाके हम इसको ले लेते हैं, लेने के बाद इसको हम रिवर्स कर देते हैं। देखो आ गया आपका, ठीक है। अब जैसे इनके साथ इनको रिलीव कर देना है, तो रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसाइज ब्लेंड का यूज कर लेंगे। ये कितने का लगाया था हमने, इनको इनको और इनको, जैसे यहाँ पे 45 का लगाए थे, हम इसको 43 कर देते हैं, मतलब रिलीव हो जाएगा। कभी भी रेडियस टू रेडियस वो नहीं रहता, रेडियस टू रेडियस आपको रिलीफ लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 8 का लगाया था, तो इसको मैं 6 का कर दूंगा, 6 का करूंगा मतलब 12 का कटर चलाऊंगा, 12 का कटर चलाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोलने जा रहा हूँ। ये प्रोसेस होता है, आपको रेडियस टू रेडियस हमेशा रिलीफ रखना है, तभी अच्छा डिजाइनर बनोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनको हम रखेंगे इस तरीके से, इनको रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। मेरा अगर कोई भी वीडियो, अगर मैं कुछ भी वीडियो डालता हूँ ना, उसमें पूरा देख लो, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे इतना बड़ा प्लेट है और यहाँ पे 30-35 mm है, इसको मुझे बढ़ाना भी पड़ सकता है। अच्छे यहाँ पे कितने का ब्लॉक है देख रहे हो, कितने का है, 200 का है भाई साहब, 200। बड़ा मोल्ड है, फैमिली मोल्ड है, तो हाइट तो होगा ही। अब मुझे यहाँ पे मैंने 35 mm का रखा था ना, इनको मैं हल्का सा और बढ़ा दूंगा, इसको मैं मूव करना पड़ेगा, ऐसे ऑफसेट मैट कर देना, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, फंस जाओगे फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसको मैं 10 mm बढ़ा देता हूँ, 45 का कर दूंगा, ठीक है। अच्छा मेटल रखना है, वहीं पर कंजूसी भी नहीं करना है आपको। अब देखो ये मेरा बन गया, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पिलर जो है यहाँ पे, हम पिलर को गाइड पिलर में, देखो जो चीज़ें हाउसिंग में आएगा उसको हम हाउसिंग में ही रखेंगे, उसके साथ कोई शेरखानी नहीं करेंगे। और जो आपकी हार्ड मेटल होगा इसको हम कलर पे रखेंगे, जैसे ये मेरे को हार्ड मेटल है, EN31 हार्ड करवाना है, EN31 हार्ड करवाना है, तो इसको हम हार्ड मेटल पे रखेंगे, तो मैं इसको इस काली कलर पे रख दूंगा, ठीक है। अब ये भी मेरा हार्ड में रहेगा, ठीक है। अब ये भी मेरा हार्ड में रहेगा, तो इसको भी हम कलर पे डाल देंगे, ठीक है भाई। तो समझ लो मैं कैसे कैसे बनाते जा रहा हूँ, इनको भी हम हार्ड कलर में डाल देंगे। अब आते हैं बात बोल्टिंग की, तो बोल्टिंग से पहले मैं इसमें चैम्फर लगा दूंगा, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है, मैं तो अपने हिसाब से लगाता हूँ, आपको अगर नहीं लगाना तो मत लगाओ, ठीक है। लेकिन लगाते हैं, अब इसमें ऊपर आपको ग्रूविंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप पता लग जाएगा आगे आगे। तो मैं यहाँ पे चैम्फर कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से लगेगा, देखो यहाँ पे रिलीव है, रिलीव है, इस तरीके से बनेगा। अब इसको हमको बोल्टिंग करना है, ठीक है। अगर कोई ग्रूविंग करना है तो ग्रूविंग कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बड़ा मोल्ड के लिए अगर मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो हम जो है इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसको कितना mm का लिया, 15 mm, लेट्स से मैं इसको 20 mm का लेना चाहता हूँ, तो ले सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ तरीका, 20 mm का लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो हम, देखो जैसे यहाँ पे प्रेशर प्लेट है, बड़ा मोल्ड है, तो आपको बोल्टिंग भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको काउंटर बोल्ड लगाना है, तो फिर उसके लिए प्लेट थिकनेस भी होना चाहिए ना। अगर मान लो काउंटर बोर्ड पे उतना थिकनेस नहीं है, मैं मान लो मिनिमम तो M6 का करूँगा, M6 में मान लो मुझे आ ही नहीं रहा है, तो फिर दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उस केस में आपको प्रेशर प्लेट की हाइट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ गया। तो अब देखो मैं इसमें बोल्टिंग करूँगा, बहुत कुछ सीखना है आप लोग को, ठीक है। और करते जाना,
ये प्यार ये आप लोग का 4 बजने वाला है, तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। बज ही गया, 4:02 हो गया। अब देखो सुबह का 4 हो गया भाई, सोना भी है, कल संडे है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 13 का रख रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं इधर से भी 13 का रख दूंगा, ठीक है, 13 13, और बराबर इसको 15 कर दो। चलो 15 कर देते हैं। आजकल थोड़ा सा एक दिक्कत है, मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम कर रखा हूँ। ऑफिस के बाद जो है प्रोजेक्ट भी होता है, फिर ट्रेनिंग भी होता है। आधा प्रोजेक्ट तो मैं आप लोग से करवा देता हूँ, सिखाता हूँ, मैं ही करता हूँ, कुछ कुछ बनाने भी देता हूँ। आपने देखा होगा उस दिन यूट्यूब में मैंने एक वीडियो डाल दिया था कि स्टूडेंट ने बनाया प्रोजेक्ट, फिर मोल बन के आ गए। लाइक प्रैक्टिकली तो भी चीज़ें होगा ना, प्रैक्टिकली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक 15 15 यहाँ पे बोल्टिंग करना है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इस एरिया में भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे अगर रेडियस कम होता है तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप। इन जगह में कर दोगे ना, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है थोड़ी इनका नहीं, अब इनका करना पड़ेगा, डायमेंशन करने में ना थोड़ा सा हो जाता है। अब लास्ट वाला अगर वीडियो नहीं दिखाना हो तो फिर आप पहले जाके उसका वीडियो देख लोगे। उस वीडियो में इवन मैंने आपको ये भी दे रखा हो ना, इस वीडियो में अगर मैं उस वीडियो में दे रखा हूँ ना, तो मेरा जो ऑटोमोबाइल का जो क्या बोलते हैं इसको, दो ट्रिम होता है ना, 14 कर देता हूँ इसको, दो ट्रिम होता है ना, तो दो ट्रिम का भी मोल बना रखा हो, उस वो वाला मोल भी दिखा रखा हो, जाके पहला वाला वीडियो देख ले। मेरा कुछ ना कुछ वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ मैं नया टॉपिक दिखाता ही हूँ, तो जाके जिसने भी देखा होगा ना उसको पता लग गया, तो देख लेना, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब देखो इसको मैं नहीं मार सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रेडियस दे रखा हो, अब यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी मेरा चैम्फर इस साइड में है, राइट, ये वाला चैम्फर है, तो मुझे ये वाला साइड पकड़ना पड़ेगा। अब ऐसे 13 मेरा हो जाता है तो कोई बात नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल का यूज कर लेने करो। अब देखो जितना भी पॉइंट्स है इन पॉइंट को मिरर मार देंगे, टाइम लगेगा क्योंकि मैं आप लोग के साथ बात करते करके बना रहा हूँ, राइट, तो चीज़ें और अच्छा होगा। जैसे जैसे आप भी बनाते जाओगे, मैं तो ऑलरेडी फाइल शेयर कर दिया हूँ, जिसने भी पहला वाला फाइल वीडियो देखा है वहाँ से जाके बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हम बोल दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो है इतने mm है, 30 mm है, मैं 35 का कर देता हूँ, ठीक है, 3 बोल्ट कर देंगे, 35 का कर रहा हूँ। तो अभी कॉन्स्टेंट का भी यूज़ कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस हिसाब से ऐसे करना है तो आप कॉन्स्टेंट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जी मैंने ऑलरेडी ये रखा हो, एक्सट्रूड का शॉर्टकट कमांड X होता है, शॉर्टकट भी यूज़ करना है तो शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हो। देखो अभी स्ट्रेट हो गया, अब इनको हम मिरर मार देंगे, ठीक है, अब इनको हम मिरर मार देंगे। वीडियो क्रॉप करके ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, एक एक चीज़ें देखते हो ना तो फिर आप लोग को भी करने में इजी हो जाता है। अब जैसे मैंने कॉन्स्टेंट का यूज़ करके आप लोग को बता रहा हूँ, तो अगर आपको मान लो आप लोग कॉन्स्टेंट का यूज़ नहीं करते हो तो फिर आगे जो है कॉन्स्टेंट का यूज़ करने लग जाओगे, हाँ इतना चीज़ें कौन करेगा, मैं कॉन्स्टेंट से सीधा कर दूंगा। बात वैसे भी होता है, अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं सीखने को मिलता है, बहुत लोग है नया है, कोई लोग है पुराना है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब अपने को बस क्या रखना है, ये जो है ना इनको हटा दो आप, मैं बैकग्राउंड को वो कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ से आ गई, वाली पॉइंट को से तो अब हटा देंगे। मिनिमम तो M6 का लगाना है, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, अगर आपके पास ये काम हो जाता है तो फिर आपको क्या लगाना है, फिर आपको काउंटर संग लगाना पड़ेगा। अब मैं जैसे काउंटर बोर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है, डन। 3 बोल्ट लाइक आपको सभी में करना है इस तरीके से,
देखो मैं मिरर भी मार सकता हूँ एक को बना के, लेकिन फिर मुझे इसके लिए टेपिंग होल अलग से बनाना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए एक साथ ही मार रहा हूँ, बाद में मेरे को दिक्कत ना आए। ठीक है, और कभी कभी लोग क्या करता है, जो भी डिजाइनर होता है इसको टेपिंग को ना, मतलब जो हेयर होता है इसको 1 mm डाउन कर देता है, 1 mm डाउन कर देता है। वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन हम ये जो कुछ काम होता है ना, कुछ काम आप टूल रूम के लिए भी रख दो, है ना, कुछ काम टूल रूम के लिए भी रख देना, नहीं तो सब काम आप करके दोगे ना, फिर टूल रूम क्या करेंगे फिर, है ना। और यहाँ पे हम इसको बना देते हैं इस तरीके से। किसी को भी, जैसे बहुत स्टूडेंट है मेरे को बोलते रहते हैं सर ये मेरा पार्ट दीजिए, इसके ऊपर प्लीज मोल्ड डिजाइन बना के यूट्यूब में दिखा दीजिए मुझे, हैं। तो वैसे भी बनाता हूँ, ऐसे किसी को मना भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी होना चाहिए कि मेरे पास टाइम होना चाहिए, मेरे पास उस टाइम की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, है ना। मान लो मैं बना दिया, मेरे पास टाइम है ही नहीं, तो उसका मुझे दिक्कत आता है। ये ऑफसेट हो गया, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला और आपका ये वाला, तो आपने प्रेशर प्लेट का कॉन्सेप्ट समझ गया। इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत आएगा तो प्रेशर प्लेट बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑटोमोबाइल की स्पेशल प्लेट वगैरह की बात करना है ना, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से 100। ठीक है, कंट्रोल एल करके मैं 100 लेयर को ऑफ कर देता हूँ। देखो आपका ये मोल जो है ये बन गया है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, एंट्री चैम्फर एक दे सकते हो हल्का सा, 1 mm का, 2 mm का आप दे सकते हो। तो ये आपका बन गया हाउसिंग। तो हम क्या करते हैं, मैं इधर पे आ तक केवीटी हाउसिंग है, अब मैं इधर पे आ जाता हूँ। आने की बात, अब मैं इनको एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करने के बाद मैं कोर को भी शो कर देता हूँ। देखो आप किस तरीके से ये बन जा रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। अब जो मोल लगेगा ना, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, आप देखो एक साइड का बना दिया, तो एक साइड का मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, एक साइड का मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे मेरा ये यहाँ पे इंसर्ट है, केवीडी हाउसिंग है, केवीडी हाउसिंग के साथ मेरा क्या हो रखा है, पिलर भी आ रखा है। तो एक बार ध्यान रखना है दोस्त आपको, तभी भी पिलर बनाते हो ना, तो पिलर पे हमेशा ग्रूबिंग कर दिया करो। पिलर पे ग्रूबिंग बोले तो देखो ये सब चीज़ें आपको सीखना है। ये कमी 90 कमी कोई भी नहीं होता, यहाँ पे रेडियस आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एटलीस्ट 3 का मैं रेडियस लगा दूंगा। ठीक है, ये शार्प नहीं करना, रेडियस में डालना। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये चीज़ें नहीं भी बताऊंगा चलेगा, लेकिन बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपसे ये बोला हूँ कि मैं जो भी चीज़ें बनाऊंगा तो सही तरीके से बनाऊंगा और सब चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं 20 mm गैप में ऑयल ग्रुप काट रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 कर देता हूँ, 10 नहीं 5 कर देता हूँ, और इसको 20 के जगह मैं 25 कर दूंगा, 5 के जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं करूँगा, 30 का कर दूंगा, तो ये 5 हो गया। मान लो इसको मैं 28 का कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं, मतलब एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, देख लो, ये भी देख लो, कभी ना कभी आपको काम आएगा ही आएगा। पूरा मोल्ड जो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो सारा चीज़ें आपको पता ही लग जाएगा। अब यहाँ पे हम काम करेंगे, कार्ब में जाएंगे, जाने के बाद इंटरसेक्शन कार्ब में। अब मेरे रोज का इंटरसेक्शन कार्ब में बार होता है ऐसे करके, सॉरी, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फेस तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा मेनू में, जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद स्वाइप कर दूंगा, ट्यूब ले लूँगा। ट्यूब जो है यहाँ पे मैं 2 का ट्यूब डालूंगा। ठीक है, छोटा होगा तो आप 1 का भी डाल सकते हो, अगर आपके पास छोटा है तो आप 1 भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पे 60 का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे पिलर, तो मैं पिलर को इस हिसाब से जो है बड़ा ही रखूँगा। तो ये 1 से इसको वाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सॉरी, इंटरसेक्शन मैंने कर दिया, मेरा माउस बहुत तेज चल रहा है, तो उसको कम करना पड़ेगा।
ठीक है। एक्चुअली मैं जो बना रहा हूँ ना, मैं आपको लैपटॉप में बना रहा हूँ। अगर मैं वर्क स्टेशन पे बनाता तो बहुत मेरा तेज काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ठीक जाओगे, सिलेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं, डन। उसके बाद जो है कोई बात नहीं भाई, ये जो है ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्या? यही सॉफ्टवेयर में एरर दिखा रहे, मेरा नेट कनेक्शन ऑन है इसलिए मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना तो यही दिक्कत होता है कभी कभी। तो यहाँ पे जो है मैं कार बेस को मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे जितना भी मेरा डोटम है ना, डोटम को मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 100 पे डाल दूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे बन गया है। एक अगर आपका बस एक एक बना बना के भी अगर वो करना है ना तो वो भी कर सकते हो आप, इसको हम हटा देते यार, बेकार सा ये, अब डिस्प्ले से भी नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं। अब इसको कर दिया, अगर यहाँ पे हल्का सा अगर आपको वो मारना है तो मार सकते हो, एक का लगा दो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा वो है, ठीक है, इनको डिलीट कर देता हूँ मैं, इनको मैं मिरर मार दूंगा ना, अब मैं इसको मिरर कर दूंगा यहाँ से वाई सी के अबाउट, ठीक है, हो गया आपका। अब यहाँ पे हम इसको लेके इसको हम कर देते हैं इस तरीके से, तो आपका देखो ऑयल ग्रुप बन गया। तो जो यहाँ पे काम था प्रॉपर तरीके से हमने काम कर लिया, तो आपका क्या बन गया, केबीडी हाउसिंग बन गया। अब आपको क्या बनाना है, कोर हाउसिंग बनाना है। तो कोर हाउसिंग को हम सेम जो है वही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फैमिली मोड पे आते हैं तो आप देखो आपका जो काम बन गया है बॉडी जिली। तो यहाँ पे लिप्तर का काम है, लिप्तर को हम नीचे से देखो, यहाँ पे जैसे मैंने पहले 35 mm का लिया, मैंने फिर जो है 10 mm बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि पहले तो मुझे यहाँ पे एनफ स्पेस चाहिए जो इतने को इसको होल्ड करके रख ले। दूसरा, जब मैं लिप्तर रखूंगा तो लिप्तर को मुझे गाइड करने के लिए यहाँ पे एक इंसर्ट डालना पड़ेगा नीचे, तो लिप्तर में गाइड करूंगा, यहाँ पे मुझे इंसर्ट डालना पड़ेगा। जब मैं इंसर्ट डालूंगा ना तब मेरा क्या होगा, लिप्तर गाइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी गाइड करना पड़ेगा, या मैं पिन से भी चला सकता हूँ लिप्तर को, ठीक है, या लिप्तर को मैं ट्यूब से भी चला सकता हूँ, लिप्तर को मैं इंसर्ट से भी चला सकता हूँ, वो मैं देखता हूँ। अभी नहीं, मैं जब लिप्तर करूंगा तब बताऊंगा आपको, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा चीजें पता लग जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं 10 mm एक्स्ट्रा रखा हूँ कि गाइड करने के लिए। जब लिप्तर लंबा हो जाता है तो आपको गाइड रखने के लिए सब चीजें बनाना पड़ता है। अब जैसे हम बात कर रहे थे आपको कोकाई ओका के बारे में, जैसे ये वाला मेरा पिन है, अगर मैं इसको यहाँ पे 5 mm इस साइड ऑफसेट कर दूंगा तो एक तरीके से मेरा कोकाई ओका हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मिकी माउस होल भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चैम्फर कर दिया इस साइड में, बाकी साइड में रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ पे चैम्फर है, उसको पता लग जाएगा कि चैम्फर किस तरह बैठने वाला है। यहाँ पे मिकी माउस होल भी करते हैं, ड्रिलिंग करके यहाँ पे होल कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम मिकी माउस होल। अब ऐसा भी कर सकते हो। अब दोस्तों अभी आपको क्या बनाना है, अभी आपको बनाना है इसकी क्या बनाना है अभी आपको बनाना है इसकी केवीटी इंसर्ट, ठीक है, केवीटी हाउसिंग तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, इसको एक्टिव कर दे रहा हूँ, ठीक है, केवीटी हाउसिंग को मैं एक्टिव करूंगा। उससे पहले मैं जो मेरा कोर है इसको हाइड कर दूंगा, यहाँ से हाइड करके काम कर लेना। अब मुझे क्या बनाना है, केवीटी हाउसिंग, तो केवीटी हाउसिंग को एक्टिव कर लूंगा, कर लिया। फिर आपको कहाँ जाना है, असेंबली में जाना है, जाने के बाद वेब ज्योमेट्री लिंकर पे जाना है। जाने के बाद आपको ये बॉडी चाहिए, ये सही है ना, ये सही है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, ये आपको जितना भी इंचार्ज है ना इनको ले लो, कर लिया। अब इसको ओके कर देते हैं, ये आ गया। अब हाउसिंग को, कोर हाउसिंग को हाइट कर दो, कर दिया। इनको हम कर देते हैं मिरर, ठीक है, अब मिरर करेंगे ध्यान से मेरे दोस्त, जो मैं मिरर सिखा रहा हूँ आपको वो वाला मिरर से नहीं, यहाँ पर थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिरर आपको इनफाइट वाला लेना है, और ये जो 0.5 अपने इस फेस से यहाँ पे जो 0.5 ऊपर रखा है ना, तो पहला बैटिंग ये वाला फेस होगा थोड़ी ना, ये वाला हाउसिंग होगा मेरा, नहीं होगा ना, इस वाली हाउसिंग को लेंगे, ओके कर देंगे। आ गया आपका काम, मिरर हो गया। अब मुझे इसको चाहिए ही नहीं तो मैं इनको जो है खत्म कर दूंगा, नीचे वाले को डिलीट करूंगा, ठीक है,
आ गया। अब आपका जैसे ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, पिलर के लिए था, तो अब जो है इसको मैं डिलीट करूंगा। अब डिलीट करने से पहले मुझे कॉन्फ्यूजन ना हो जाए, मैं पहले ही फुर्सत में इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको पहले पहले ही डिलीट कर देते हैं। अब जैसे मैंने इनका साइज मैंने उसके हिसाब से लिया, तो 5 mm का मेरा हेड बनेगा, राइट। यहाँ पे मुझे कॉलर भी बनेगा, तो कॉलर जो है मेरा ऊपर से बनेगा। अब हम देखते हैं, जैसे मेरा केवीटी हाउसिंग है, केवीटी हाउसिंग के साथ मुझे केवीटी इंसर्ट को भी लाना है, राइट, तो मैं इसके साथ केवीटी इंसर्ट को भी लाऊंगा। देखो मेरा कितना बाहर निकल रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है, यहाँ पे इसको रखूंगा तो ये गाइड रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरा एक्टिव क्या है, केवीटी हाउसिंग एक्टिव है, इसको मैंने शो कर रखा है, अभी ऑब्वियसली मैंने इसको शो करना है। अब मैं जाऊँगा सीधा इधर पे, जाने के बाद मैं इनको एक्टिव कर लूँगा। यहाँ पे एसोसिएटिविटी मेरा ऑन है, ध्यान रखने की बात को, यहाँ पे मेरा एसोसिएटिविटी ऑन है। अब मैं क्या करूँगा, केवीटी जो यहाँ पे इनसाइड है इसको मैं हाइड कर दूंगा। अगर आपको टेंशन होता है तो आप जो है अलग विंडो में ओपन भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से काम करना है। अब देखो मुझे कितना mm कम करना है इधर से। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनालिसिस में जाना है, जाने के बाद आपको मेजर डिस्टेंस ले लेना है। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो ऊपर वाला फेस है ना, ये जो ये फेस जो है ना, इनको सिलेक्ट कर लेना है। 41 mm हम कम कर सकते हैं, तो बात सही है, 41 mm बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से एक बार घुमा के देख लेना, कभी कभी एंगल पे हो जाता है, 41 mm हम इसको कम कर लेंगे। पास परफेक्ट, केविटी में फिट है, ठीक है। देखो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे आपका इतना बाहर निकल रहा है, ठीक है, अब मैं इसको इतना तो बड़ा नहीं कर सकता, और अंडर भी कर दूंगा तो केविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केविटी बैंड ना हो, केविटी बैंड नहीं होने के लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, इंटरलॉक दे रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर मरेगा, तो यहाँ पे फिर से मैं इसको अगर नहीं देता तो ये बैंड होने का चांस है, तो आपको इस तरीके से इंटरलॉक वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रहेगा, तो गाइड भी रहेगा, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कम नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा जितना रहेगा मुझे गाइड रहेगा। अब देखो मैं कोर को ज़्यादा गाइड रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोर को ज़्यादा गाइड रख रहा हूँ हाउसिंग में, है ना, हाउसिंग में मैं इसको कोर को ज़्यादा गाइड क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे काम क्या किसमें करना है, मुझे तो जो हाउसिंग है ना कोर में, इसमें लिफ्टर चल रहा है, तो उसको मैं ज़्यादा गाइड रखूँगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं केविटी में इतना मेटल तो नहीं रख पाऊँगा, बात समझ में आ रहा है ना, इसको मैं नहीं रख पाऊँगा। अगर मान लो मैं इसको कम करना है तो कम कर सकता हूँ, लेकिन इतना भी कम नहीं करना है। कोर केविटी जब डिजाइन कर रहा हूँ ना, तब मैंने इसकी साइज़ कितना रहना है उसके बारे में उस वीडियो में बात कर रहा हूँ। अगर आपको उस वाली वीडियो में जाके देखना है ना, तो आप इस वाली वीडियो में जाके देख लो, ये वाला वीडियो में जाके आप देख लो, ये वाला वीडियो में आप जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पूरा देख लेना, ये भी एक बढ़िया मोल का वीडियो डाल रखा हो आपने, देखा ही नहीं प्रोटो मोल। अब जैसे ऑटोमोबाइल का मोल बनाया मैंने, इसको मोल बनाने से पहले तो प्रोटो मोल बनाऊंगा ना, प्रोटो मोल बनाऊंगा ना। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है महिंद्रा का, तो चलो नाम भी ले लिया मैंने, तो उसका जो है प्रोटो मोल बना रहा हूँ, ठीक है। अभी उसका भी नया काम आया है, तो उसका भी प्रोटो मोल बना रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रोटो मोल बनाना पड़ता है, जो इसको प्रोटो मोल के बारे में नहीं पता है, जो जाके इस वीडियो में देख ले, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा प्रोटोमोल के बारे में, ठीक है। तो अब देखो ये आपका इधर पे आ गया, आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे मैं हाउसिंग पे आने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ, फैमिली मोल को एक्टिव कर लेता हूँ। करने के बाद ये तो ऑलरेडी मेरा एक्टिव है ही, अब हाउसिंग से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मेरे को मुझे जरूरत ही नहीं है इसको अभी। यहाँ पे ये पंगा कर देगा हाउसिंग में, फैमिली इंसर्ट, इंसर्ट आ गया, कोर इंसर्ट, कोर हाउसिंग आ गया। देखो यहाँ पे गैप है कि नहीं। अच्छा मुझे आप बताइए, जो गाइड पिलर और गाइड बूश होता है, इनके बीच में क्या टॉलरेंस होता है, कितने का रखना पड़ता है, पता है कि नहीं पता, कितने का होता है फिट, लिमिट फिट यूज़ करते हो ना, तो कितना डालना पड़ता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बता ही लूँगा, ठीक है। अगर दिल से हाथ में रख के बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए, बताइए है पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आप लोग, ठीक है। हम उसकी 87G6 का यूज़ करते हैं, और जो इजेक्टर पिलर और जो इजेक्टर गाइड पिलर होता है ना, उसमें हम 87K6 का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे हम इसका काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बनाऊंगा, तो इनको 0-0 कर लो, यहाँ पे 0-0 कर लो पहले, फिर पंगा ना हो जाए। इनको लेंगे, इनको लेंगे, ठीक है। अब मैं पूरा तो नहीं लूंगा मेरे दोस्त, पूरा तो नहीं लूंगा मैं,
क्योंकि इतना बड़ा पिलर बनाने का कोई मतलब तो नहीं है। अगर लेना है तो ले सकते हो आप, मैं तो पूरा तो नहीं लूंगा। तो इसको मैं लेट्स से मैं 50 mm, 100 mm इतना तो बना सकता हूँ, 150 mm पूरा आ जाएगा, 150 mm, तो 150 का बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अब बनाना है तो आप बना सकते हो। तो मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा, टू साइडेड, -5 mm का लिया था आपको याद है, तो मैं -5 mm कर देंगे इसको। अगर इसको थ्रू आउट कर देना है तो आप थ्रू आउट भी कर सकते हो। थ्रू आउट अगर करते हो तो फिर इसको जो है लॉक करना पड़ेगा, ऊपर से लॉक हो रखा है। तो मैं इसको देखो, जो गाइड पिलर होता है ना, मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। इसमें मोल पे लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जो है पूरा गाइड पिलर बनाने का ज़रूरत नहीं होता है, आपको इधर पे गाइड रखना होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो आपने रिलीफ दे ही रखा है इस एरिया में, तो आप लोग ऐसे भी काम कर सकते हो। अगर हाइट ज़्यादा होता है, अगर मान लो हाइट बहुत ज़्यादा है, तो लाइट से मैं 100 mm का कर दे रहा हूँ या 120 mm का कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो रिलीफ है, पिलर आएगा तो इसमें ही गाइड करेगा, राइट। अब मान लो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, ये भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो हम 5 mm रिवर्स डायरेक्शन, टू साइडेड, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं 8 mm का, ठीक है। अच्छा 10 mm कर देते हैं, हेल्थ करा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 8 mm सफिशियंट है वैसे भी, ठीक है। अब इनको हम यूनिट कर लेते हैं, अभी समझा दूंगा आपको, रुको, कैसे कैसे मैं क्या क्या आपके दिमाग में सोच के बना रहा हूँ, कहाँ पे क्या है। या 5 mm भी कर सकते हो, 8 mm जरूरी नहीं है, मैं 8 mm कर दिया तो आप भी 8 mm करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा रख रहा हूँ। देखो बात यह है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म करा, ये तो बाहर नहीं जाने देंगे, उसके ऊपर टॉप प्लेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये अंदर भी नहीं जाने देंगे, खुला रहेगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये प्रोसेस होता है, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर हो सके तो आप पूरा फुली यूज़ कर लो, लेकिन मैं ये भी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। कल आपको क्या पता आपको ये वाला प्रोसेस आपको यूज़ करना आ गया या यूज़ करना पड़े आपको, तो ये भी सीख लो, बहुत बढ़िया प्रोसेस है, कोई आपको बताएगा नहीं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इधर पे जाने के बाद ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो है एक चीज़ का पंगा है कि मैंने फिल्टर नहीं लगा रखा है, सॉलिड बॉडी लेना है आपको, ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो ये जो हेड है ना, इनको हम जो है, ये जो है ना, यहाँ तक ऊपर से हम ठोक देंगे तो ये लॉक हो जाएगा 5 mm। अब 5 mm करूंगा तो ये पिलर जो है हार्ड रहेगा, और ये रहेगा C45 का, तो ये खा जाएगा, तो इसको हम 4.5 मतलब 0.5 का रिलीफ कर देंगे, 0.2 का भी रिलीफ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके इसको हम बना भी सकते हैं, ये और ये ऐड कर दे रहा हूँ मैं, देखो इस तरीके से आप भी बना सकते हो। जैसे जिस तरफ जो पिलर होता है लेंथ मान लो ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, कोई बताएगा नहीं ना, ये होता है जब स्टिपर प्लेट चलाते हो ना, तो इस तरीके से आपको कॉलर बनाना पड़ता है, स्टिपर प्लेट वगैरह जब चलाते हो तो, ठीक है। तो इसको हार्ड रहेगा ना, तो इसको हार्ड रहेगा तो ना इसको भी हम हार्ड कर देंगे, ठीक है, हार्ड कर देंगे, लेकिन ये वाला डार्क नहीं रहेगा, कोई डार्क रहेगा तो कोई पतला कलर में रखना है, तो इसको हम लाइट कलर पर रख देते हैं। लेट्स से मैं ये वाला कलर पर रख रहा हूँ, समझ में आ गया। अगर मान लो हाइट बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस केस में अगर इस तरीके से नहीं भी करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी कर दिया जो हल्का सा रिलीव करना पड़ता है आपको। अगर मान लो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, इसको थ्रू भी कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन इस फेस से 2 mm डाउन रखना, समझ गए आगे ना, इस फेस से आप 2 mm डाउन रख सकना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपका क्या हो गया, पिलर हो गया, देखो आपका हाउसिंग बन गया, किस तरीके से बनाया मैंने, गाइड रह गया, लेकिन बेस्ट होता है अगर इसको रिलीफ, देखो यहाँ पे रिलीफ है ना, तो रिलीफ से अच्छा अगर आपको इसको यहाँ तक रख दोगे तो इस तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है, आपको तरीका बताया, शूज तो आपको ही करना है। इसको मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे सेव नहीं करना है, जब असेंबली में बनाते हो तो सेव ऑल कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे क्या रह गया, टॉपलेट रह गया, तो मैं यहाँ पे टॉपलेट बनाऊंगा, तो टॉपलेट बनाने के लिए मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा,
मैं हर बार में थोड़ी ना मैं कोई वो लेते रहूंगा, मान लो मुझे असेंबली लेते रहूंगा, मैं कभी कभी यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ता है, फेस भी लेना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे फेस भी लेना पड़ता है मुझे इसके, कभी कभी तो मैं यहाँ पे लेके फेस ले सकता हूँ, लाइक दिस। फेस लेने के बाद अब जैसे मेरा टॉप प्लेट एक्टिव है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स कैश दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कैश लूंगा तो मेरा कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सेंटर पे आ जाएंगे ना, तो डायरेक्ट कैश नहीं लेना है दोस्तों आपको, और यहाँ पे इसको 25 mm ऑफसेट कर देना। ये 25 mm, 30 mm जो ऑफसेट करना है ना, ये बेसिकली क्लैंपिंग के लिए है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लैंपिंग के लिए ऑफसेट कर देना है 30 mm, हम जो है इसको ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। अब वो ये जो फेस है ना, इसको आप एज इट इज प्रोजेक्ट कर लो, क्योंकि तो ये 0-0 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। ओ, यहाँ पे एक गलती हो गया आपसे, इसको स्केच को सेव करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट इसको वो कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केच के अंदर चले जाओ, ठीक है। ये देखो लिंक है, सब लिंक बना के काम कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपको बहुत कुछ चीज़ें पता लग जाएगा आगे के लिए, ठीक है। मैं एक दिन में बहुत कुछ चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, मैं कॉर्नर में एक दिन में आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन ये है कि आपको पता लग ही जाएगा जैसे जैसे मेरा वीडियो वगैरह देखते जाओगे आप, ठीक है। आजकल मेरा स्टूडियो ने जाके यूट्यूब में वीडियो वीडियो डालने लग गया यार, मैंने देखा है आजकल लोग यूट्यूब में वीडियो वीडियो डालने लग गए हैं। तो यहाँ पे हम 30 का लेंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज़ है, ये क्या आ गया, अच्छा 30 mm का। तो देखो यहाँ पे हमने कितने के रख रहा है, जो मेरा प्लेट है यहाँ पे 30 mm का रख रहा हूँ, लेकिन मेरा देखो बोल्टिंग भी ऊपर से करना है एक तो बात है, और इसमें इतना बड़ा है, तो मैं इसको 30 के जगह यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 30 mm सफिशियंट होता है वैसे तो, ठीक है। तो मैं तो 26 mm के आसपास के हिसाब से रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं 40 mm का रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट बड़ा है, मोल बड़ा है, यहाँ पे इसको क्लैम करना चाहिए तो ये इसको होल्ड करना चाहिए, तो इस हिसाब से बढ़ाऊंगा मैं। यहाँ पे कितने में बढ़ा दिया हूँ, अब देखो यहाँ पे मेरा काम हो गया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया था, जैसे ये मेरा कार्ब था, अब मैं कार्ब को लेयर पे डाल दूंगा, कार्ब और ये मैं 100 में डाल दूंगा, ठीक है। तो दोनों 100 में चला गया। अब हम आते हैं असेंबली में, आने के बाद इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। टॉप प्लेट हाई जो रखा है, टॉप प्लेट को ले आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे कार्ब था, सारा चीजें ऑन हो रखा है ना, ये 100 को यहाँ से ऑफ करके यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट 100 में चला गया, तो एक गलती हो गया कि नहीं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, गलती क्या है मैं बताता हूँ। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, टॉप लेफ्ट में आ गया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे कंट्रोल जे करा, यहाँ पे सारा चीजें सिलेक्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे कार्ब सिलेक्ट कर लेना, ये गलती मत कर देना। अब कार्ब में भी एक बार में सब सिलेक्ट मत कर देना, कभी बोल्टिंग बोल्टिंग होता है ना, तो वो भी चला जाएगा आपका, क्लियर है। अब जैसे मैंने ये जो रेफरेंस लिया था यहाँ पे, ये जो रेफरेंस है, जैसे ये लिंक फेस करा था, उस फेस को भी तो हटाना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फेस के लिए मैं शीट बॉडी पे जाऊँगा, ठीक है। इनको भी फिल्टर लगा के हाइड कर लेना, इसमें आपकी गलती होने का चांस कम हो जाएगा। अब मैं असेंबली को एक्टिव करके सबको ले आऊंगा, अब नहीं आया, देखा, समझ में आ गया ना किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्या तरीका आपको लगाना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे चैम्फर था रेफरेंस के लिए, मैं यहाँ पे भी चैम्फर लगाऊंगा, इसके लिए एक्टिव करूंगा, अब फिल्टर को हटा दो, अब इसको एक्टिव करूंगा, करने के बाद यहाँ पे मैं 10 का चैम्फर लगाऊंगा, तो ये मेरा एज ए रेफरेंस का काम करेगा, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हम भी अभी बनाना है हमें स्पेसर ब्लॉक और इजेक्टर असेंबली, ठीक है। फिर हम जो है लिप्टर का काम करेंगे, ठीक है, बहुत सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है चीजें। अब देखो हमें क्या करना है, स्पेसर ब्लॉक में जाना है। अब स्पेसर ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, स्पेसर ब्लॉक में काम करने के लिए आपको असेंबली में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके अगेन फेस लेना है आपको, एसोसिएटिव में काउंट कर लेना। देखो यहाँ पे गया मैं, अब देख फालतू का चीजें आपको हटाना है ना, जैसे मुझे टॉप के साथ कुछ काम नहीं है, फिर इसको हटा दो आप, ओनली मूविंग को रख लिया मैंने, ठीक है। अब मूविंग में मैं इनको वायर फ्रेम कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्केच लेना है, ठीक है, तो अभी तो स्केच आ जाएगा। अब स्केच लेने के बाद आपको ये देखना है,
कि यहाँ पे मेरा 470 का था, 470 का था, तो मैं यहाँ पे स्पेशल लूंगा। अब स्पेशल किस हिसाब से डिसाइड करते हो, कि यह लिप्टर लगने वाला है तो लिप्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पे मुझे गैप देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 100 का तो नहीं ले पाऊंगा, मुझे कम करना, 100 का अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से रहेगा तो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो मुझे इधर पे लाना पड़ेगा, तो मैं कर लूंगा। बाद में मुझे मूव कमांड का वगैरह लगाना पड़े तो मुझे मूव लगाना पड़ सकता है, तो अभी के लिए हम एज इट इज रखते हैं, कुछ ज्यादा शेरखानी नहीं करेंगे। अब ये देखो, ये जो है बहुत बड़ा बाबू है, ठीक है, ये जो है ना विद इन द पार्क है, इसलिए नहीं हो रहा ये, लेकिन आपको देखना है, कभी कभी ऐसे परेशान हो जाओगे ना, अरे ये मेरे तो नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं, परेशान नहीं होना है, सारा चीजें देख लेना, फिल्टर विल्टर सब चीजें आपका बन जाएगा सही, ठीक है। अब देखो लिप्टर मोल्ड है मेरे दोस्त, लिप्टर मोल्ड है। अब लिप्टर मोल्ड में हमेशा इजेक्टर ज्यादा होता है, जो इजेक्टर का स्पेस होता है ना स्पेसर का, वो ज्यादा होता है स्पेसर का, तो आपको कितना करना है, यहाँ पे मैं 100 mm भी रखूंगा ना, तो बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा रखूंगा, अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ पे 200 mm का रख रहा हूँ। अब 200 mm क्यों रख रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे इतना रखने का जरूरत है, जरूरत तो नहीं है, 200 mm से भी कम से भी हो जाएगा, अगर मैं 160 भी रखता हूँ ना, तो उससे भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिफ्टर चलेगा, एंगल डिफाइन करूंगा, स्ट्रोक ज्यादा होगा ना, तो एंगल कम में काम हो जाएगा। अगर मेरे पास उसका भी ऑप्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा चीजें मोल में दिखा रखा, ये बड़ा मोल में देखो कितना डिग्री का एंगल था मेरा लिफ्टर का, 28 डिग्री 30 डिग्री का एंगल था, डबल लिफ्टर लगा के मैंने उसको इजेक्ट कर दिया, ये वाला मोल्ड कंपोनेंट जाके देखो ना, आपने देखा ही नहीं होगा बहुत सारा चीजें, तब पता लगेगा। ऑटोमोबाइल स्पेशल मोल करते हो तो इस तरीके से मोल आपको सिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने स्पेशल बना लिया, अभी कोई बोल्टिंग बोल्टिंग नहीं कर रहा मैं स्पेशल पे। अब आपको कंट्रोल जे करा, जे करने के बाद मैंने आपको बताया था इसको इस तरीके से लेके 100 पे डाल देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कैश नहीं है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, एग्जिट करके सेव कर लूंगा। अब मुझे क्या बनाना है, नीचे जो है मुझे इजेक्टर प्लेट बनाना है, ठीक है। तो इजेक्टर प्लेट बनाना है और बॉटम प्लेट बनाना है, तो बॉटम प्लेट पहले बना लेते हैं, इसलिए फिर उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो सेम क्या करना है आपको, मैंने बताया था आपको जाना है असेंबली में, इधर जाना है, जाने के बाद यहाँ पे फेस लेना है, ठीक है, अगेन यहाँ जाएंगे, फिर स्केच ले लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ऑफसेट, 30 mm का करा था मैंने, इधर भी 30 mm का करना है आपको, 30 mm। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अब जो है यहाँ पे इसको कर दोगे ना, जैसे यहाँ पे मेरा देखो कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, इंटर असेंबली है, लेकिन मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज है यहाँ पे, अब इसीलिए आपको लिंक बना के काम करना पड़ेगा, लिंक बना के काम करोगे ना तो नहीं होगा दिक्कत, देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है करने का, नहीं है ना, नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, आपको फिर ऐसे ऐसे ये बनाना पड़ेगा, तभी काम करना काम कर तभी काम कर सकते हो आप। बहुत रात हो गया, मतलब सुबह हो गया, सुबह का मतलब रोशनी आ गया, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। चलो इस वीडियो को आपको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से करो, ठीक है। यहाँ पे देखो इनको जो है हम कर देते हैं कितने का, 40 का कर देता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल जे, फिर यहाँ पे स्पेस, फेस को नहीं, इस वाली फेस को करना था मुझे, तो कंट्रोल जे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, लिंक फेस, ठीक है, इसको एक्टिव कर देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हल्का हल्का अगर लगे आपको, जैसे स्पेशल ब्लैक है, इसको हम हल्का हल्का जो है अभी के लिए ट्रांसफॉर्मिंग कर देंगे, कंट्रोल जे। देखो एक होता है इस तरीके से आपको शेडेड व्यू करना, एक होता है दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है अभी बताऊंगा उस टाइम बाद। यहाँ पे इसको हम एक्टिव कर लिया, इसको इनको एक्टिव कर लेते, कर लिया कंट्रोल जे, इस तरीके से काम कर लेना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगा आपको, ठीक है।
से ये फेस रह गया अभी, इसको हटा ही दो, इनको फेस को हटा देते हैं, फेस 100 लेयर, कंट्रोल एल लेयर को ऑफ, ठीक है ना। अब ये जो है आपको हटा सकते हो फेस करके, फेस कंट्रोल एल हर लेयर को ऑफ कर देना, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, यहाँ तक इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आपको ये देखना है, इसके बाद जो है आपके आएंगे इजेक्टर प्लेट, राइट, इजेक्टर प्लेट और रिटेनर प्लेट बनाना है। मोल को हम और बड़ा कर सकते हैं, वैसे मैं कॉम्पैक्ट मोल बना रखा हूँ, और अगर बड़ा करना है तो और भी बड़ा कर सकते हो आप मोल को। तो देखो अभी मुझे रिटर्नर प्लेट बनाना है और इजेक्टर प्लेट बनाना है, तो इजेक्टर प्लेट में मैं एक्टिव करूंगा। इजेक्टर प्लेट एक्टिव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर अगेन आपको बताया जैसे असेंबली में जाना है, गलमाल मत कर लेना, स्टेप बाय स्टेप करना, आराम से ठंडा दिमाग से काम करना, ठीक है, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे आप। फिर आपको यहाँ पे स्केच लूंगा मैं, ठीक है, स्केच ले लिया, और यहाँ पे मैं इसको ऑफसेट करूंगा। देखो यहाँ भी सिलेक्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने इस फेस को डोटम ले रखा है, जैसे मैंने लिंक बना रखा हो ना, इस फेस को ले रखा हो, इस फेस को मैंने नहीं लिया हो, इन दोनों फेस को, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इन फेस को करने के लिए, इन फेस को करने के लिए यहाँ से आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा, जैसे मैंने 30 का है और यहाँ पे 100 का, मतलब 130 का, ठीक है, प्लस 5 135 mm का, 5 mm का मैं यहाँ पे क्लियरनेस रखूँगा। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही प्रोसेस लगाना है रिवर्स डायरेक्शन में, तो 135 mm का आपको इधर से भी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बाद देखो यहाँ पे हाइट करके काम करना है तो हाइट करके भी काम कर सकते हो, मैं तो जल्दी जल्दी आपको तरीका बता रहा हूँ। अब मोल बेस बनने की बात, इसकी मेन कहानी स्टार्ट होगा, क्योंकि जब मोल बेस बना लूंगा ना तो उसके बाद आपकी मेन कहानी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मजा आने लग जाएगा, फिर लिप्टर पिप्टर का काम आ जाएंगे। तो आपको बाद में तो एनिमेशन मिनिमेशन सारा चीजें मैं बनाऊंगा। इसको मैं 20 का प्लेट लूंगा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉपर लगाऊंगा तो इसको मैं 30 का लगाऊंगा, और नीचे लगाऊंगा स्टॉपर 10 का, तो इसको मैं ऊपर ले आ रहा हूँ, ठीक है, हो गया। कंट्रोल जे, यहाँ पे फेस, जो फेस ले रहा है ना तो शीट बॉडी लेना है दोस्त, मैं लास्ट में शायद मैं वो ले रहा था, ठीक है, इसीलिए मैं इसको स्टॉपर रखूंगा ना, स्टॉपर तो रखना ही पड़ेगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रख लेना तभी भी बनाओगे। अब मैं कंट्रोल जे करके यहाँ पे भी मैं शीट बॉडी स्केच, ये देखो ऐसे सिलेक्ट हो जाता है तो पता नहीं चलता है, इसको 100 क्लियर। फैमिली को एक्टिव कर लेते हैं, अब यहाँ पे जाके दूसरा वाला प्लेट बनाएंगे। अभी कौन सा आएगा, इजेक्टर रिटर्न प्लेट, रिटर्न प्लेट के लिए अगेन सेम प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे फेस ले लेना है आपको, ठीक है, जरूरी नहीं हर जगह फेस ही लो, मैं अलग लेके भी काम कर सकता हूँ, वो तो मेरी मर्जी है, समझे। इनको 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 इनको, तो इसको जो है मैं 20 mm का कर लो, मान लो इसको भी मैं 20 mm कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लिप्टर में जो ब्लॉक है ना इसमें बोल्टिंग बोल्टिंग करना पड़ेगा दोनों में, तो मैं यहाँ पे 20 mm का रख रहा हूँ प्लेट को। यहाँ पे कंट्रोल जे करके जो आपकी सीट बॉडी है इनको मैं सिलेक्ट करके सेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो पूरा मोल को एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव करने के बाद मैं मोल को सबको एक्टिव कर लेता हूँ, करने के बाद होम दबा देता हूँ, सेव कर लेते हैं फाइल को। फिर तो दोस्तों इसमें हमने सेम फाइलिंग वगैरह कर लिया है, तो आपका ये देखो यहाँ तक बन गया है पूरा जो है टूल। अब जो इसकी नेक्स्ट हाफ होंगे, जो इसकी सेकेंड हाफ होंगे, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ क्या बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे आप जो आपकी कूल साइज है बन गया है, तो नेक्स्ट हब में इसकी हम लिप्टर का बारे में बनाएंगे, जो लिप्टर होगा वो बनाएंगे हम, कैसे लिप्टर डालना है, कूलिंग डालेंगे इसमें हम, पहले लिप्टर का हम इंसर्ट बनाएंगे, फिर हम कूलिंग बनाएंगे, फिर हम गेटिंग वगैरह भी करेंगे, इसकी हम मोल फ्लो करके भी दिखेंगे कॉम्प्लीट, इसकी हम मोल फ्लो भी करेंगे, मोल फ्लो करके हम देखेंगे कैसा चल रहा है ये, कहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे मेरा ये है, इसको हम जो है स्केच है इसको सिलेक्ट करके, जैसे असेंबली में कुछ चीज़ें हाइड करते हो ना, तो इसको 256 लेयर पे डाल देना,
तो 256 लेयर पे डाल देना, ठीक है। और अगर कोई भी अगर इंडिविजुअली कोई भी पार्ट में काम करते हो तो उसको जो है आप वैसे डाल सकते हो, तो ये ध्यान रखना। तो देखो इसको कंप्लीट मोल्ड बनाएंगे। अब जो ये मोल्ड है, अब इसकी हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके लिप्तर का इंचर बनाएंगे, कूलिंग चैनल बनाएंगे, इसकी गेट बनाएंगे, फिर लास्ट में जो है इसको हम एनिमेशन करके दिखेंगे कैसा जो है पार्ट इजेक्ट हो रहा है, कितना डिग्री लिप्तर का एंगल होना चाहिए। तो सारा चीज़ें हम इस वीडियो में बनाएंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा। मैंने कोशिश करा कि सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में समझा पाऊँ। जिसको भी कुछ डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है यहाँ पे नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जाके सारा मेरा चैनल वगैरह आप देख सकते हो, नंबर मेरा मेंशन है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। किसी को मेंबरशिप वगैरह लेना है तो मेंबरशिप वगैरह भी आप ले सकते हो। सारा मेंबरशिप वगैरह के लिए मैंने आपका अलग से डाल के रखा, उसमें जाके आप मेंबरशिप वगैरह के बारे में देख सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।